ऑफ मिसेस जमशेद और उनके डायमंड बहुत डिस्कस हुए आज। भाई जाहिर है इन लोगों की हाउसिंग सोसाइटीज हैं, शो ऑफ नहीं करेंगे तो फिर और क्या करेंगे। हेलो जी जी बोल रहा हूं। व्हाट? नो 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 नो, कौन से थाने में? आपने उसे लॉकअप में डाल दिया है? हाउ डेयर यू। हे लिसन लिसन, तुमसे बाद में बात करता हूं मैं। क्या कहा? कौन कौन लॉकअप में? शबरेज। क्या? मगर क्यों? क्योंकि शबरेज उस लड़की मेहर के घर के बाहर जाके तमाचा कर रहा था। उसके बाप ने पुलिस को बुलाया, उसके हवाले कर दिया। ओह माय गॉड, इन लोगों ने मेरे शबरेज को लॉकअप में बंद करवा दिया। जी हाँ, जैन को पुलिस स्टेशन भेजता हूँ ताकि शबरेज को छुड़वाए और फिर इन दो टके के लोगों से निपटूंगा। एंड आई हैव टू मेक अ फ्यू फोन कॉल्स। शबरेज, शबरेज, शबरेज पापा। यही दिन देखना बाकी रह गया था कि तुम्हें लॉकअप से छुड़वा के लाया जाए। मत छुड़वाते हैं, मैंने नहीं कहा था आपसे, इंस्पेक्टर ने कॉल की थी आपको। हालत देखिए अपनी, ऐसे लग रहा है जैसे कोई मजनू पिट के आया है। मजनू ही हूं मैं। तुम चाहते क्या हो? मेरी जात का एक ही नाम है मेहर, वही चाहिए मुझे बस। पागल हो गया ये? उस सरकी के चक्कर में लॉकअप तक से होके आ गया, फिर भी उसके इश्क का भूत इसके सर से नहीं उतरा। कभी नहीं उतरेगा, कभी नहीं उतरेगा। जितनी मोहब्बत तुम करते हो ना उस लड़की से, अगर उस लड़की ने भी तुमसे की होती ना, इस तरह से अपने बाप के हाथों तुम्हें लॉकअप में बंद न करवाया होता उसने। तो वो लड़की थी, मजबूर थी वो। मैं आप लोगों की वजह से मजबूर हो गया, मेरी आंखों के सामने उसका रिश्ता किसी और से तय हो गया। गई तो थी मैं रिश्ता लेकर, उसके बाप की गलती की सजा हमें क्यों दे रहे हो तुम? दूंगा, क्योंकि मैं झूठी औरत का बेटा हूं। बंद करो अपनी बकवास। मैं बकवास कर रहा हूं? मैं बकवास कर रहा हूं? आपने झूठ बोला मुझसे, आपने कहा था ना आप मेरा रिश्ता लेकर वहां गई थी और उन लोगों ने इनकार कर दिया था। हाँ यही हुआ था। नहीं, झूठ बोला था आपने। आप वो मेरा रिश्ता लेकर नहीं गई थी, आप वहां मेहर की फैमिली को जलील करने गई थी। उन लोगों ने कहा और तुमने अपनी मां को झूठा मान लिया। हाँ, क्योंकि जानता हूं आप सबको, हमें जलील किया आप लोगों ने मेरे साथ। लेकिन याद रखिएगा, मैं आपकी कोई भी कोशिश पूरी नहीं होने दूंगा। मेहर को मुझसे दूर करने का जो आपका ख्वाब है ना, वो मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं सिर्फ मेरी है और हमेशा मेरी रहेगी। ए निशन, तुम अब कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करोगे। मेहर को पाने के लिए मुझसे जो कुछ हो सका मैं वो सब करूंगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। शबरेज, बातें सुन रही तुम? इसकी दिमाग हिल चुका है इसका, समझाओ इसे। बाबा बाबा प्लीज काम डाउन, मैं बात करूंगा उससे। तुम समझ सकते हो कितनी एंबैरेसमेंट होगी जब लोगों को पता चलेगा कि अदर करीम का बेटा लॉकअप से हो क्या है वो लड़की के पीछे। बाबा आई विल स्पीक टू हिम। यू माइट एज़ वेल।